C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। तो अब अगर वो लोग तरुण से या तरुण के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, उस घर के सारे फोन टैप करवा दें। हेलो, कौन? मैं मोहन ब्रिजवासी बोल रहा हूँ। मैडम, आपके लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आज हमारे होटल में एक लड़का एक लड़की स्टे करने आया है। लड़के का नाम तरुण सिंह है और लड़की का नाम नेहा मेहरा है। अंदर आने के बाद तुम ये सवाल तो पूछ सकती थी कि ये 206 कमरा ही है ना। अरे अंदर आते हुए 206 था, घुसने के बाद थोड़ी ना 207 हो जाएगा। तरुण और नेहा कहाँ हैं? मेरी जेब में। मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन फिजूल सवाल कर रही हो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तरुण और नेहा कहाँ हैं? पता है मुझे होगा। अरे वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझने वाले। नया नया प्यार है, नए प्यार में लोग लॉजिक नहीं देखते। प्यार में लॉजिक नहीं होता। तुम्हें बड़ा पता है लॉजिक के बारे में। लॉजिक नहीं लेकिन प्यार के बारे में तो पता है। तो तुम मुझे समझा रही। चैलेंज कर रही हूँ कि मैं पहले पहुंचूं। पता है तुम अगर रिक्वेस्ट करती ना तो शायद पहुंच जाती, लेकिन अब मैं तुम्हें पहुंचने दे दूंगा। आप हारेंगे। मुझे नहीं जाना। हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही किसी की सुनी। सुननी पड़ेगी। अब जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे डरा धमका के नेहा को यहाँ से लेके जाएंगे, सॉरी ऐसे तो मुझे रुके। अगर हम ऐसा करें, इस रात को उनकी बीती लाइफ में बदल दे तो शायद उनको उनका प्यार याद आ सकता है। उसके बाद वो हमारे प्यार को समझ पाएंगे। आह, खत्म कर लिया। मेरा इनाम हाँ? आज भी तुम्हारे काढ़े का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला। टॉर्चर। मैं टॉर्चर करती हूँ आपको? मुझे लगा इंडायरेक्टली समझ जाओगी लेकिन नहीं समझी तो। ठीक है, आप टॉर्चर नहीं करें। अरे कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? तुम क्या मुझ पर चढ़ रही हो? अरे चूहा तुम पर चढ़कर मुझ पर चढ़ जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं छोड़ू। अब मैं करके दिखाऊंगी। और जहां तक रही मेरी बेटी की बात ना, मुझे तो तुम्हारे बेटे के चुंगल से किस तरह निकालना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर तुम्हारे बस में है ना तो अपने बेटे को बचा कर दिखा दो। फाइन, लेट्स गो। चिल्ला क्या रही हो? हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। आप गिर जाते तो चिल्लाऊंगी क्या? गिर जाते तो ना, गिरा तो नहीं ना। हा? छोड़ो मुझे। अरे लेकिन 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 क्या? छोड़ो। पता है मैंने कितनी बार तुम्हें गिरने से बचाया? जानबूझकर गिराया ना तुमने मुझे। मैं जानबूझ के क्यों करूंगी? मैं क्यों चाहूंगी कि आपको चोट लग जाए? वो जो लड़का और लड़की आपके साथ थे ना, उन्हें इस एरिया के कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। बोल रही हो तुम? ये बड़ी बड़ी आंखें किसे दिखा रही हो? अब गुंडों को डराना मुझे नहीं। आपको पता है कि आइडिया वर्क कर जाएगा, और अगर ये आइडिया वर्क कर गया तो नेहा और तरुण को बचाने का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, जो आप नहीं चाहते, इसलिए मुझे मना कर। नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो प्रॉब्लम क्या है। भूतनी को कभी देखती हो तुम? मैंने भी नहीं देखा, पर भूतनियां बहुत अगली होती। तुम बहुत सुंदर। जो लोग टेररिस्ट और गुंडे से नहीं डरते ना, वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझे? तुम देखना क्या कमाल करता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे चीज की जरूरत होगी, तुम्हारी एक्टिंग की। प्लीज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे प्लीज तरुण के पास बिठा दीजिए। मैं प्रॉमिस कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। मुझे डर लग रहा है, इसीलिए तरुण के पास बैठना है। प्लीज ले जाइए। तुझे कितनी बार बोला है कि हम तुम्हें उसके पास नहीं लेके जाएंगे, तो फिर तू बार बार क्यों बोल रही हो? मुझे तुम लोगों से नहीं, मुझे लोकल लोगों की बातों से डर लग रहा है। मैंने सुना है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। डेड? मतलब इस इलाके में भूत प्रेत का साया है और भूतों से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे तरुण के पास ले जाइए। प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। अरे बावड़ी छोरी, अरे क्या भूत भूत लगा रखा है?
जो बाहर जो लोग भूत भूत करे है ना, ये हमें ही भूत कहे, इसलिए डरना है तो हमसे डर। अरे ये भूत हम ही है। अरे भाई कैसा है, सब बढ़िया? अरे कुछ खाएगा? अरे छोले भटूरे, जलेबी, समोसे। अरे कुछ खाएगा, इधर देख। अरे खातिरदारी नहीं की भाई की तूने जरा भी। अरे कुछ पिएगा? रम, विस्की। अरे काम कर, भाई के लिए पैक बनवा। भाई अपने दिवाली की बम्पर लॉटरी है। अरे कौन आ रहा है वहां पर? भूत! कौन आ रहा है तू? अरे भूत! यहाँ कैसे आ गया तू? अरे भूत उड़ कर आया है। ए बच बच बंद कर तेरी। अरे चलो रे नीचे, चलो देखो कौन है। चलो कौन आ रहा तू? अरे भूत आ गया, मेरे पीछे भूत है यहाँ पर। तू यहाँ कैसे आ गया? अरे भूत इतना बड़ा, इतना लंबा भूत है मेरे पीछे। भाई ये क्या हो गया? क्या भूत? मुझे बचा लो प्लीज। तेरी समस्या का समाधान भाई करेंगे। भाई बॉस इसे हीरोइन बनने का बड़ा शौक है, बोलती है चलो अंदर जाके दोनों बच्चों को बचा कर आते हैं। मैंने कहा कैसे बचाओगी, यहाँ पर भूपा भाई बैठा है। रे भूपी क्या फर्क पड़ता है, नाम ही का रखा है, काम में रखा है, काम में रखा है। अब बताओ बेबी से कोई जीत सकता है? वो भी रात में। रात में क्या मतलब? रात बोल रहा है सुनो, आप घर पे तो बेइज्जती करते हो, यहाँ भी बेइज्जती करा रहे हैं। भाई यही है वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। भाई क्या किया तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाले आओ साहब हैं, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौट कर नहीं आएगी। गुड्डन फंसी गुंडों के बीच, जिनसे है उसको जान का खतरा। क्या अनजान अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन को इस नई मुसीबत से, या पूरे होंगे उसके साथ फेरे किसी और के साथ, या फिर किस्मत लाएगी एक ही मंडप में दोनों को साथ और गुड्डन बनेगी इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। अगले हफ्ते देखिए कौन है ये तुलिका, क्यों मीरा इसकी जिम्मेदारी ले रही है। ये मेरी मर्जी, मैं किसी से भी इसकी शादी करवाऊँ, और हाँ इतनी ही जिम्मेदारी है तो तुम पालो इसे बिठा के। तो आज से तुलिका की जिम्मेदारी मेरी है, और याद रखो आज के बाद उसकी तरफ नजर भी उठा के देखिए ना तो समझ लेना आप सोनी कुड़ी से पंगा लेंगे। दुर्गमा आपने तो मेरे और बड़ों की दोस्ती करवाई, वो नहीं कह रहा है, पर मुझे पता है शांतनु तकलीफ में कोई रास्ता निकालिए ना माँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आएंगे कुचकी और शांतनु फिर एक दूजे के सामने। क्या होगा इस कहानी का नया अध्याय, या फिर करना होगा इनकी दोस्ती को मुश्किलों का सामना? कुछ भी? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को यहाँ वॉशरूम में एंट्री मारते हुए देखा है। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? सुभान अल्लाह, में कल रात 8 बजे देखिए। कबीर अहमद, क्या आप अपनी बीवी रुखसार को तलाक देने वाले हैं? अजय कौन मर्द अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे तलाक देने वाला है? खैर तुम तो हमेशा तलाक देने वाले मर्दों के खिलाफ जाकर औरतों का साथ देती हो ना, तो बता तुम किसका साथ दोगी, हमारा या फिर कबीर का? क्या तुम कबीर को तलाक देने दोगे? तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी ना, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट?